क्योंकि तुम लोगों को यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि हमारा जो ये जीवन है ये सिर्फ परमेश्वर के साथ ही चलकर जीवन है, वरना ये कुछ भी नहीं है। ये बात सीख लो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने परमेश्वर के साथ बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि परमेश्वर के बिना निराशा है, परमेश्वर के बिना हालात हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छा नहीं, झगड़ा, मन अजीब, धीरे धीरे मन संसार में जाएगा, गंदा होता जाएगा, खराब होता जाएगा मन। सिर्फ परमेश्वर के साथ ही है ये सब कुछ, हमारा अच्छा जीवन। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, आज सुबह सुबह बच्चों ने टेस्टिमनी दी, लेकिन जब इन्होंने टेस्टिमनी दी तब बहुत लोग थोड़े आते हैं यहां। जब टेस्टिमनी बहुत सारी इधर आई होगी लोगों के पास, अभी होगी, लेकिन उस समय शायद ये वर्क नहीं किया या वहां टीम को कहा नहीं गया कि आप जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछो आपकी टेस्टिमनी है तो बताओ। देखो, इसमें भी आप लोगों को जिम्मेवार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी का काम है कि हम अपनी गवाही को, अपने किए हुए परमेश्वर के काम को खुशी से, एक जबरदस्त रीति से, एक बड़े तरीके से परमेश्वर को, उसकी महिमा के लिए बताएं। ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर क्या होता हमसे खुश, हम खुश करते हैं उसको अपने जीवन से, ये बोल करके वो महान है, वो सच्चा है, वो है, उसने ये काम किया, उसने ये मेरे जीवन को बदला, उसने ये जीवन में कार्य किया। क्योंकि जब ये टेस्टिमनी दे रहे थे उस समय मैं जान रहा हूं इतने लोग नहीं आते, लोग लेट आते थोड़ा, लेकिन हमें सारी चीजों में अपने आप को सुधारना है, हमें इंप्रूव करना है परमेश्वर के साथ, जिसको कहते हैं सिद्ध करना। यहां पर कौन सा शब्द है ये? इंप्रूव तो शायद दूसरा शब्द है, लेकिन परफेक्ट करना या सिद्ध करना परमेश्वर के साथ। अब जानते हैं ना, बाइबल में ये बात बहुत बड़ी लिखी है, अपने आप को सिद्ध करना। ये परमेश्वर आपको कंट्रोल करके नहीं करेगा सिद्ध करने का काम। परमेश्वर जैसे दुष्ट आत्मा कंट्रोल करता है ना, दुष्ट आत्मा इतनी जल्दी कंट्रोल करता है, इतनी जल्दी काम करता है। आप मोबाइल से कुछ 5-7 वीडियो देख लो गलत, तुरंत उसके कंट्रोल में आ जाओगे। 5-7 के बाद वो और देखते जाओगे, 1 घंटा 1.5 घंटा कंट्रोल हो गए तुम। अब हट ही नहीं रहा फोन से दिमाग, अब देख ही जा रहे हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऐसे अभी आत्मा में इतने स्ट्रांग नहीं है, वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे कंट्रोल नहीं करता। परमेश्वर के पास अपनी बात को रखना पड़ता है, परमेश्वर के पास जाना पड़ता, अपनी बात को रोज रोज उसके सामने रखते हैं। ये परमेश्वर आप कर चुके हो, ये कर चुके, मैं ऐसा बन चुका, मैं ये बातें पूरा कर चुका, ये तेरा वचन कर चुका। जब आप ऐसे रोज रोज प्रैक्टिकल करते हो तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, यही तो परमेश्वर की महानता है। आमेन। क्या है ये परमेश्वर की? परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। कितना महान है परमेश्वर। अभी देखो दुनिया में, दुनिया क्या कर रही है, कितनी वो चीजें कर रही है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें सजा नहीं दे रहा, उन्हें मार धाड़ नहीं कर रहा, उन पर क्रोधित नहीं हो रहा ना। वो धीरे से डर के बैठा है, उसने जो अनुग्रह किया है, जो दया की है, वो चाहता मेरी दया को लोग जाने। और दया को लोग कब जानेंगे? जब आप सब लोग उसका सुसमाचार प्रचार करोगे। ये हम सबका काम है,
हम खुद भी परमेश्वर की दया में चले, उसके अनुग्रह को समझें और उसके अनुग्रह का सुसमाचार हम प्रचार करें, लोगों को बोलें, लोगों को बताएं। जब ये करना शुरू करोगे आप और ज्यादा जबरदस्त आत्मिक इंसान प्रकट होते जाओगे। आमेन। क्योंकि ये हम सबका काम है, ये हमारी जब मन की आंखें खुलती है तब ऐसे होता है। इसलिए परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, मेरी मन की आंखें खोल परमेश्वर, मुझे आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर परमेश्वर, धन्यवाद अब कर चुके हो। ऐसे रोज रोज अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार एक जबरदस्त विषय है बाइबल के अंदर। हमारे मुंह से बोलना, इसे बोलते हैं अंगीकार। अपने मुंह से क्या बोल रहे हो उसे बोलते हैं अंगीकार। आप जो बोल रहे हो, मैं एक वचन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हम रोमियो में जाएंगे परमेश्वर के वचन में, और यहां पर एक परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे, क्या परमेश्वर का वचन है ये। तो यहां चैप्टर 10 का 9 में ऐसे लिखा है, 8 में ऐसे लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, ये के वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आगे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, मुंह से अंगीकार करने से क्या मिलता है, उद्धार। सोचकर देखो। इसलिए हमें अपने शब्दों को कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या मुंह से बोल रहे हैं। कुछ लोग अपनी बीमारी के लिए बार बार बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, घर में बोलते हैं, हाय ई हो गया, ए हो गया, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे अपने आप को। लेकिन ये सोचते नहीं है क्या हमारा जो मुंह का अंगीकार है वो क्या है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, परमेश्वर की बात सबको। तुम दमदार जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर के नजदीक रहकर जीना चाहते हो। देखो, स्पिरिचुअल लाइफ ही सिर्फ मजा है, आत्मिक जीवन ही सिर्फ मजा है। शारीरिक जीवन बड़ा अजीब विषय है, सारा कुछ खराब कर देगा, सारा कुछ मजा किरकिरा कर देता है शारीरिक जीवन। उसमें किसी बात को लेकर गुस्सा गुस्सा, कोई ना कोई बातें दिमाग में चलती जाएगी, उसने ये को कहा, उसने वो को कहा, ऐसी चीजें चलती जाएगी शारीरिक जीवन। आत्मिक जीवन क्षमा कर देता है, बोलता छोड़ो, बोला तो बोला, अब नहीं सुनते। ये आत्मिक जीवन यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण था, उसको गालियां दे रहे, उसके मुंह पर थूक रहे, उसकी दाढ़ी को ऐसे खींच रहे, मार रहे, गंदियां गालियां दे रहे। उसको कहते तू ही है ना जो व्यभिचार से जन्मा, तेरी मां ने पता नहीं तुझे कवारे से पता नहीं कहां से तुझे जन्म दे दिया, ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, उन्हें माफ कर रहा है और पिता के सामने भी बोल रहा है, इन्हें क्षमा कर, जो ये बोल रहे कर रहे ये जानते नहीं है। और आज जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वो ऐसा ही होगा, वो भी क्षमा करने वाला होगा। हालेलुया। शारीरिक जीवन एक अजीब और गंदा सा जीवन है जिसमें रोज भटकना रहती, रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें, उल्टी पुल्टी सोच, इधर उधर इधर चलेगा। इसीलिए तुम्हें ये शब्द, ये नीचे लिखा 10 में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार।
उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार मतलब छुटकारा, मोक्ष, अनुग्रह पाना किसी भी चीज में, परमेश्वर का किसी भी बात में अनुग्रह पाना, तो वो किससे होगा? मुंह के, ऊंचा बोलो, मुंह के अंगीकार से। तुम्हें उद्धार पाना है तो मुंह के अंगीकार से। तुम कुछ भी चाहते हैं परमेश्वर के सामने तो मुंह का अंगीकार चाहिए। तुम्हें अपने अंगीकार को बिल्कुल राइट और सही रखना है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? सबको। तो मेरा विश्वास है कि आज आप लोग इस बात पर बहुत खास ध्यान रखना, मैं क्या अंगीकार करता हूं रोज। अब कौन, क्योंकि देखो हमारी किसी से भी प्रॉब्लम हो, बाइबल के अकॉर्डिंग वो नेगेटिविटी को नजदीक करती है। किसी से भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके अंदर किसी के लिए भी क्रोध है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, कुछ ना कुछ बना हुआ मन में, तो नेगेटिविटी को नजदीक आना ही आना है। आप क्षमा कर दो, छोड़ दो, उस चैप्टर को साइड पे कर दो, अपना जीवन परमेश्वर के साथ बढ़ाओ। अगर नहीं मिलते तो ना सही, लेकिन आप सही चीज कर दो, वो चीज दोहराओ ना, सोचो मत, आगे बढ़ो। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। अंगीकार आपकी जिंदगी को जबरदस्त बदलेगा। इस साल आप जानते नहीं क्या कुछ होने वाला है। मैं इस साल कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा जिससे आपके माइंड में ऐसी कोई बात आए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। हम इनडायरेक्ट कुछ कुछ संकेत देते रहेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बताएंगे क्या होने वाला दुनिया में। याद रखना, दुनिया में वो होने वाला है जिसे बहुत सारे लोग अपने विश्वास में नहीं रहेंगे। ऐसा होने वाला दुनिया के ऊपर, क्योंकि जो कुछ लिखा वो पूरा भी तो होना है कि नहीं होना है? बोलो, सच्ची होना है वो। लेकिन वो सब होना है, इसलिए आप लोगों को परमेश्वर के साथ बढ़ना ये सबसे जरूरी है। तुम्हें आत्मा में आना जरूरी है, तुम्हें वर्ड में बढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाइबल की भविष्यवाणियां, बाइबल की वो बातें तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा था एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन खोल लिया जाएगा। एक समय आएगा, लेकिन जब खोल लिया जाएगा लोगों के पास नहीं होगा, तो फिर अंदर होना चाहिए ना। अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो एंटी क्राइस्ट आत्मा काम कर रहा है दुनिया के ऊपर। अभी उसने अपना काम तेज कर दिया है, एंटी क्राइस्ट आत्मा ने। लेकिन जो वो एंटी क्राइस्ट जब खुद प्रकट होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा वो प्रकट होगा, उसने होना है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लिखा है वो ना हो। इसलिए अपने आप को सबसे पहले हमें तैयार करना है। मिरेकल्स होते रहेंगे, आपकी जिंदगियां चेंज होती रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी। परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहे हैं तो हालात जाते रहेंगे, बीमारियां खत्म होती जाएगी। हमें बढ़ना है, क्योंकि हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है। ये कहानी नहीं है स्वर्ग, ये बड़ा विषय है स्वर्ग। आज क्रिश्चियनिटी बहुत सारी जैसे संसार है वैसे हो रही है चीजों के पीछे। क्रिश्चियनिटी एक अलग चीज थी, एक दमदार विषय है क्रिश्चियनिटी। लेकिन हमें ये सब बातें समझनी और सीखनी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ये साइंटिस्ट, नासा की सबसे बड़ी जो साइंस है अमेरिका की, उनके हिसाब से ये जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है, ये आज से 10 साल पहले वो बोलते थे कि 100 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
उनके हिसाब से यहां चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएगी, सिस्टम खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो ढूंढ रहे थे दूसरी पृथ्वी, दूसरा ग्रह, कि इंसान का वंश बचाया जाए, वहां पर भेज दिया जाए इंसानों को, ताकि वहां भी जीवन स्टार्ट हो जाए। जब यहां से खत्म होगा तो दूसरे ग्रह पर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। साइंस का ये अनुमान है और बाइबल में भी लिखा है या नहीं लिखा। चलो थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद हम अगली बात में जाएंगे, ठीक है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाएं और जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब पूरा हो, ठीक है। यहां पर दूसरा पत्रस 3 की 4 में ऐसे लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, यीशु मसीह की, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वह तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। तो ये बातें सारी है ना, ऐसे अगर हम आगे भी पढ़ेंगे तो लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वर्ण ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 10 में लिखा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जिस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, और ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें पवित्र आत्म पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आमेन। तो यहां पर क्या लिखा, यह आकाश पृथ्वी सब कुछ गल जाएगा, सड़ जाएगा, पिघल जाएगा हर चीज, लेकिन तुम्हें पवित्र जीवन में, चाल चलन में, परमेश्वर के साथ जो भक्ति का जीवन है उसमें कैसा होना चाहिए, यह बड़ा मेन है। आमेन। तुम नहीं चाहते परमेश्वर के साथ मेरा अनुभव बड़ा हो, परमेश्वर के साथ ऐसे बातें हो, क्योंकि अगर पृथ्वी पर तुम्हारा अनुभव परमेश्वर के साथ नहीं हुआ तो शायद विश्वास में टिके नहीं रह पाएंगे। हम जब एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा तो वो मसीह लोगों को इतना तकलीफ में देगा पृथ्वी के ऊपर, इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो अनुभव नहीं किया जिन्होंने परमेश्वर का, जो नॉर्मली अपनी चीजों के लिए विश्वास करते थे, चंगाई के लिए, दूसरी तीसरी चीजों के लिए, काम आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, है ना, तो वो लोग कहां टिके रहेंगे। इसलिए आज समय है, अभी साल है कि हम मजबूत बने परमेश्वर। आमेन। क्या बने हम लोग, मजबूत बने। थोड़े दिन पहले मैं एक बहन से मिला, वो हमारी मिनिस्ट्री में उसने आना बंद कर दिया, तो टीम को पता चला, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, तो वो ये बात वो बात ये बात वो बात, ठीक है, जबकि आप उनका खोल कर दिखाएं, उसकी बेटी मरने वाली थी, सच्ची उसकी डेथ होने। वो उसको पता नहीं 15 साल से पता नहीं कहां कहां लेकर जा रही थी, कितनी जगहों पर लेकर गई, लाखों रुपए लग गए, इतना परेशान दुखी थी वो। लेकिन जब वो हमारे पास आई, हमने उस बेटी तड़फ रही थी, उसमें दुष्ट आत्मा भी थी, बीमारियां इतनी थी कि कभी वो ठीक ही नहीं हुई,
पहली बार लैंड हुआ, वो दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, निकाला, फिर उस पर वर्क किया गया। कुछ वर्क करते 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 उन्हें समझ आ गई। फिर एक दिन उसने बहुत ऐसे खुशी से गवाही दी कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, परिवार में काम हुए, खुद ठीक, मतलब बहुत सारे हालातों में परमेश्वर ने उसे शुक्र चंगा किया। और जानते वो आज हमारी मिनिस्ट्री कहीं और गई है। किसी ने उसको लालच दिया, वहां जाओगे तेरे काम और ज्यादा होंगे, ये लालच दे दिया, तुम्हें ये मिल जाएगा, मां तो मां अभिषेक काम करता है, ये काम करता है, वो करता है, ठीक है, ऐसा सोचकर वह चले गई। आप सोचो ये मन स्वर्ग चला जाएगा, काम तो यहां हो गया था, जीवन तो मिल गया था, अब परमेश्वर में अपने रिश्ते को, अपने मन को अच्छा करना था, ये था मेन काम, वो तो किया ही नहीं। एक शब्द ने, लालच के शब्द ने उसको तोड़ दिया। मैंने मुझे उन्होंने कहा मेरी, मैं बहुत यहां बोल रही थी सबको, मेरी मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, मेरी मीटिंग नहीं हुई, फिर मैं चले गई। उससे पूछा जब तुम जहां गई है वहां मीटिंग होगी, कहती नहीं, चलो होगी किसी दिन। सोचो अब वो, फिर इन्होंने मेरी मीटिंग करवा दी, मैंने कई चीजें सिखाई, लेकिन अब वो नेगेटिविटी के गुलाम बन चुकी थी, अब नेगेटिविटी उसके ऊपर प्रभाव डाल चुका था, अब उसको सच्चा ज्ञान, सच्ची बातें, इनसे कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में वो लालच, अभिलाषा काम कर रही थी, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था तुम्हारी शारीरिक लालसाओं के तुम वश में ना रहो। ये खतरनाक चीज है, ये सैटानिक चीज है। शैतान चाहता है तुम्हारे अंदर शारीरिक लालसाएं काम करे, ताकि वो तुम्हें अपनी गुलामी में लाए, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वर्क करे, तुम्हें यूज करे, तुम्हें और दुखी करे, हालातों में लाए। इसीलिए अलर्ट रहो, शैतान के भरमाने में मत आना, शैतान तुम्हें लालच देगा। यहां की टीचिंग खुदावंद जो मेरे ऊपर प्रकट करता है, अगर इसको समझ कर जिए, चाहे आग के गोले बरसें शैतान के, वो भी तुम्हें शुभ नहीं पाएंगे, याद रख। ऐसा ऐसा मजबूत जीवन स्पिरिचुअल हो जाएगा, जैसे आग के तीर बोले ना बाइबल में, वो छोड़ता है, वो भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, वो परमेश्वर है, उसका नियम सच्चा है, उसने अपने कानून दिए हैं हमारी जिंदगी के लिए। हमें ये पकड़ने होंगे, हमें ये समझने होंगे। हालेलुया। सिद्ध किसने बनना है? हमें खुद। ध्यान किसने देना है? हमें। प्रैक्टिकल किसने करना है? हमें। तब हम आत्मा में बहुत परफेक्ट हो सकेंगे। तुम्हें प्रैक्टिकल ये करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिकल चीजें करनी है। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें ये प्रैक्टिकल चीजें करनी है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो रेडी हो फिर आज? हैं? रेडी हो तो फिर रेडी हो जाओ पूरी तरीके से। अभी तो मैंने कुछ आत्मा से बातें बताई, आज का वचन तो खुलने वाला है, जब हम सीखेंगे समझेंगे। हालेलुया। आंखें बंद करो और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर जो आज हम सीखने वाले हैं और जो सीख रहे हैं उसमें तेरी बड़ी बरकत आ चुकी खुदावंद। मांगो मांगो आज के वचन के लिए, खास प्रार्थना करो ताकि दुष्ट शैतान की कोई युक्ति आज काम ना करने पाए। कमांड करो नेगेटिविटी को, परमेश्वर के सामने रखो कि अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाए। खुदा ये तेरा जीवन का वचन आज मेरी जिंदगी में बैठे, मेरी जिंदगी में आज का तेरा वचन काम करे परमेश्वर। ऐसे बात करो, बात करो दिल से,
और परमेश्वर काम कर रहा है। अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखो, अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर चुके। परमेश्वर आज जो कुछ मैंने सीखना है समझना है परमेश्वर, तेरा आज मेरे लिए जो वचन है परमेश्वर वो मेरे मनों में बैठ चुका है, उसमें 100 गुना फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं वफादार बन चुका, मैं खरा बन चुका, तेरे साथ पवित्र जिंदगी जीने वाला बन चुका। आज खुदा जो चाहते हो मैं सीखूं समझूं करूं, वैसे मेरा मन खोल, वैसे मुझे समझा, ताकि ये वचन खास मेरे लिए हो, एक एक शब्द एक एक बात मेरे मन में समझ आए, ताकि मैं आपकी इच्छा में चलूं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। वो सीन इनके निकाल लिए, वो भविष्यवाणी निकाल ली, दो ही चीज ठीक है, बाद में बात करेंगे, पहले हम खुदा का कलाम देंगे लोगों को, हालेलुया। तो आज ये आज पार्ट 3 है, वैसे तो थंबनेल पर इन्होंने 2 लिख दिया होगा, ये तीसरा पार्ट चल रहा है आज। क्या क्या तीसरा पार्ट है आज बता सकते हैं कोई बुद्धिमान परमेश्वर के बच्चे जो हैं? क्योंकि ये मिनिस्ट्री सबसे विषय, यहां मिनिस्ट्री में सबसे उत्तम विषय क्या है यहां पर बताओ? वो है परमेश्वर का उत्तम ज्ञान, हालेलुया। आज थर्ड पार्ट है, लास्ट संडे हमने स्टार्ट किया था ये पार्ट, फिर थर्सडे भी चला, आज संडे भी चला। क्या था विषय? विषय ये था कि परमेश्वर हमें अपना वचन देता है लाभ के लिए, लेकिन उस लाभ को शैतान क्या करता है? बिगाड़ता है। या कुछ लोगों को जब गाइडेंस मिलती है, वर्ड मिलता है, तो कुछ लोग उसे उस लाभ के वचन को लेने के लेकर अपने आप को सुधारने की बजाय क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं अपने आप को, बुद्धि से, शारीरिक समझ से, तो फिर गड़बड़ होता है जीवन। लेकिन हम दो पार्ट में कई सारे पॉइंट सीख चुके हैं, आज हमारे लिए ये तीसरा पार्ट है, और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर आज हमें देगा। आई होप तुम लोग इस पर पूरा ध्यान दे रहे हो, हालेलुया। अपना ध्यान दो, ध्यान, क्योंकि समा अंत का है पृथ्वी के ऊपर, तुम्हें परमेश्वर की खोज में रहना है। जो चीजें तुम्हें जीने के लिए चाहिए वो परमेश्वर देगा तो बेस्ट है, अगर तुम चीजों के पीछे गए तो तुम्हें शैतान और चीजों के पीछे ले जाएगा, और किससे दूर कर देगा? परमेश्वर से दूर कर देगा। तुम्हें परमेश्वर के पीछे रहो, चीजें अपने आप पीछे आ जाएंगी। तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें कन्विंस चाहिए जाने आने के लिए, तुम्हारे पास नहीं है कन्विंस, तो परमेश्वर दे देगा। तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए तो दे देगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरी जरूरत को पूरा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग जरूरतों को इतनी बड़ी अभिलाषा बना लेते हैं कि वो चीजों पर मन रखते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। जैसे ये जो मंथ चलते हैं ये शादियों के होते हैं, आज कई लोग नहीं आए होंगे, अलग अलग रिश्तेदारों की शादियों में गए होंगे, उन्हें नहीं जाना चाहिए, पहले यहां आना चाहिए। आज जानते हो मेरे रिश्तेदार, अब कोई हमें हमारे साथ नहीं है। जब हम प्रभु में आए तो बहुत सारे कार्ड आते थे शादियों के, बहुत सारे सारे रिश्तेदारों के, लेकिन वो मोस्टली उस दिन होते थे जिस दिन हमारी संगति है। हम लोगों ने उस शादियों को मिस करके पहला दर्जा परमेश्वर को दिया, और धीरे धीरे लोगों ने मिलना गिलना बंद कर दिया। डोंट वरी, परमेश्वर की इच्छा होगी तो उन्हें भी ले आएगा यहां, लेकिन हमें पहला दर्जा किसको देना है? पहला दर्जा परमेश्वर को देना है, ये बात सीख लो आप लोग। तो अभी यहां पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि
परमेश्वर का जो वचन है वर्ड, ये हमारे लिए क्या है? क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर का वचन सिर्फ सुना और चले गए ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ वचन सुनते हैं, हाँ जी हाँ जी। कई लोगों से पूछो, जैसे अभी पूछो थर्स ने क्या वचन था, जो लोग हाँ जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसे बोलेंगे। नहीं नहीं अच्छा तो था, लेकिन क्या था? नहीं अच्छा था, अच्छा था, ऐसे बोलेंगे। अब बात करो उनसे, क्या था, क्या वर्ड था, क्या वचन था? ये तो मैंने पता नहीं पर अच्छा था, ऐसे बोलेंगे। सोचो कैसे बोलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं लेकिन इतना ठीक था, अच्छा था। क्योंकि उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर हमें देता है तो क्यों, वो किस लिए है हमारे लिए? परमेश्वर का वचन इसलिए हमारे लिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल करने वाली चीज, खाने वाली चीज है, खाना है इसको, वो हमारी रोटी है। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारी रोटी। सुनो, आपको पता जो रोटी है, जो फूड है, फिजिकल जो खाना हम खाते हैं बॉडी के लिए, वो क्रियाशील है। जब आप रोटी खाओगे ना, रोटी या कुछ भी खाओगे शरीर में, वो अंदर जाकर क्रिया करता है, क्रिया काम करता है, काम। सोचो वो क्रियाशील चीज है। जब आप भी रोटी खाओगे, ये परमेश्वर का वचन जो रोटी है, इसे खाओगे तो ये आपके अंदर क्या करेगा? काम करेगा, काम। अगर इसको खाया है, खाएगा मतलब इसको लिया है, इसको प्रैक्टिकल किया है मन में, क्योंकि जो हम रोटी खाते हैं वो पेट में जाकर काम करती है, है ना, पेट के अंदर काम करती है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में काम करती है रोटी जो हम खाते हैं पेट शरीर के लिए। लेकिन ये वचन जो हम खाते हैं वो मुंह से खाते हैं या कान से खाते हैं? वचन कान से हमारे मन में जाता है और मन में जाकर ये क्रियाशील काम करता है। आमेन। इसलिए वचन हम सुनते हैं। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ हाँ जी सोना है जी, अच्छा है वचन, कितना है आज, बड़ा चंगा है, एकदम बोलेंगे बस। पूछो क्या, ते पता नहीं केड़ा वचन, पर चंगा बड़ा है, ऐसे बोलेंगे। तो क्या ऐसे समझ आई उनको क्या करना है? तो अभी ध्यान दो, मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम लोगों को, थसलोनिकिया, ये नए नियम में आएगा एक पत्री, थसलोनिकिया, वो भी पहला, थसलोनिकिया, थसलोनी थिसलो। तो ये थसलोनिकिया 2:13 हम पढ़ते हैं, क्या लिखा यहां पर, यहां पर लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। आमेन। तो ये परमेश्वर के वचन में क्लैरिटी दे दी परमेश्वर ने कि जब तुमने परमेश्वर का वचन समझकर उसे ग्रहण मतलब खाया, मन में लिया और मन में लेकर उस पर विश्वास किया, हाँ ये बात, हाँ मुझे माननी है, इसे मैंने ऐसे करना है, ये ऐसा है, ऐसा करके जैसा परमेश्वर ने कहा। जैसे मान लो परमेश्वर ने आपको कहा, अभी अभी ये कहा, लास्ट संडे परमेश्वर ने कहा था कि थर्सडे और संडे हीलिंग मीटिंग होगी, ये किसने कहा बोलो, किसको कहा? सबको कहा। लास्ट संडे परमेश्वर ने ये वचन दिया, थर्सडे और संडे हीलिंग मीटिंग होगी, ये वचन आपको दिया, तो लोगों ने ऐसे हैं, हाँ जी की होनी है, चलो होंदिया रहनिया, सानू पता काम बड़े हैं,
उसको नहीं लिया, तो वो हीलिंग्स काम करेगी, वो पावर काम करेगी, वो वर्ड काम करेगा, वो करता। अगर उस बात को लिया होता, उस बात को लेकर थर्सडे विश्वास से अपने लोगों को, अपनी फैमिली को लेकर आए होते, मुझे प्रे करानी है, मुझे हीलिंग मीटिंग है, ये काम होना है, ऐसे तैयारी, तो काम होता। उसको अगर लेते, फिर आज संडे भी हीलिंग मीटिंग है, अगर इसको भी लेते विश्वास से, जल्दी आते, ध्यान देते, तो समझ लो आपने वचन को खाया। फिर उसने क्या करना था, आपके अंदर काम करना था, पक्का। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तो आपको जैसे परमेश्वर ने कहा गुस्सा मत करो, इसे झगड़ो मत, लेकिन तुमने फिर भी गुस्सा किया, तुमने फिर भी झगड़ा किया, तुमने फिर भी मन खराब किया, इसका मतलब तुमने परमेश्वर के वचन को नहीं लिया, नहीं खाया। तुम लोगों को यह सीखना है, ये समझना है, बाइबल में इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी चीजें, इतने बड़े विषय क्यों सेट हैं, यहां पर क्यों लिखे हुए हैं? हमारी शिक्षा के लिए, हमारे उत्साह के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए क्यों लिखे गए हैं? ताकि हम भी उस तरह सोच में, मन में आ सके। आमेन। उन बातों को लेकर हमारी सोच वो बन सके, हमारा मन वो बन सके, हमारा ध्यान, हमारा विश्वास परमेश्वर पर वो बन सके, इसलिए वो लिखे गए, इसीलिए हमारी शिक्षा के लिए, हमारे विश्वास के लिए, कि ऐसा परमेश्वर ने किया, ऐसा परमेश्वर के लोगों ने किया, ऐसा लोगों ने विश्वास किया। जब आप लोग शद्रक मेशक अबेदनगो बारे पढ़ते हो, तो वहां पर पूरे यहूदी लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, तुम किसी प्रतिमा को ना बनाना, और उनके आगे माथा मत टेकना, उनके आगे झुकना मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। सिर्फ यहूदी लोगों ने वो वचन तो समझ लिया, लेकिन वक्त आने पर यहूदी लोग एक राजा के गुलाम थे, बंधुआई में थे। उस राजा ने कानून बनाया कि अगर तुमने इस मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा नहीं टेका, तो तुम्हें मेरी ओर से ये शाही मोर है, ये सजा है। क्योंकि वो राजा देश का एक कानून बनाने वाला है, उस कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन जब वो कानून, शाही कानून पर मोर लग गई, तो बहुत सारे यहूदी लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने उस मूर्ति के आगे झुके, क्योंकि वो सारे यहूदी थे जो झुके, देश के लोग। लेकिन तीन बंदों ने परमेश्वर का वचन पक्का कर लिया, दिल में बैठा लिया, उसको समझ चुके थे वो हमारा परमेश्वर कौन है। लेकिन उन्होंने गुनाह नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा किया। लेकिन राजा गुस्से में आकर कहता है इनको आग के भट्टे में डाल दो, क्योंकि आग के भट्टे में डालने की सजा थी जो उस बनाई हुई मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेगा, दंडवत नहीं करेगा। लेकिन वो वचन पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब वो वर्ड पूरा कर रहे हैं, तो किसकी बड़ी शक्ति उनकी रक्षा कर रही है? परमेश्वर। आग का भट्टा भी उन्हें जला नहीं पाया। सोचो, नहीं ये कथा कहानी है, बोलो, नहीं ये कथा कहानी है? तुम्हें लगता है ये कथा कहानी है? हम एक गवाही देना चाहते थे, लेकिन बीच में मैं चाहता हूं दू, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। लाओ, इन्हें लाओ, क्योंकि अब तुम्हें मैं, जब मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर जो ताकतवर है, सामर्थी है वो, कुछ लोग सिर्फ बात छोटी मोटी सुनने ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। जब आपको परमेश्वर कुछ बोल रहा है, अपना वर्ड, वो काम करेगा, वो क्रियाशील है। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन क्या है? क्रियाशील है, वो काम करता है आपके अंदर, वो रिजल्ट प्रकट करने के लिए। जो देखो, आप जानते हो ना, शद्रक मेशक अबेदनगो ने किस बात पर विश्वास किया? जो परमेश्वर ने कहा, उन्होंने
परमेश्वर की बात मानकर नई मूर्ति के आगे झुके। उन्होंने कहा यह परमेश्वर का वर्ड है, हमें मानना है। तो आग भी उन्हें भट्टे में जला नहीं पाई। सोचो आप, जब लुका की बुक में एक वचन पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं लुका की बुक में, लुका एक अध्याय, वहां पर एक पॉइंट है आप लोगों के लिए। लुका एक की 37 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह कभी प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने यहोशू को भी अपना वचन दिया, उसे कहा उठ खड़ा हो, या बात मेरा दास मूसा सो गया है, मरा नहीं सो गया है, अब तू उसकी जगह पर खड़ा हो। और तूने क्या करना है? अब तूने जो मेरी व्यवस्था है, जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे नियम है, उससे ना तो तूने दाहिने जाना है, ना बाएं होना, ना दाएं होना है, उसके अनुसार सीधा चलना है। और या बान दृढ़ हो जा, जब तू ऐसा करेगा तो जहां कहीं भी तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। और यह वचन परमेश्वर ने उसे दिया, और जब उसने दिया तो उसने उसे माना, उसने दिल से माना। तुम्हें ये पकड़ करनी है, परमेश्वर का वचन क्रियाशील है, वो काम करता है। तुम बस माड़ा मोट सुनते हो, ध्यान देते, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते। तुम्हें सबको ध्यान देना है, सबको एक सार सबको देना है ध्यान। हालेलुया। तो ये पॉइंट को अपने दिमाग में रखो। अब एक और बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तुम्हें जो आत्मा ने मुझे दिया मैं बताना चाहता हूं। वो वर्ड है, मैं बाइबल में जाना चाहता हूं, यूहन्ना की पुस्तक में, ठीक है, जो सुसमाचार की बुक है यूहन्ना की पुस्तक, वहां पर 8 अध्याय में आप लोगों के लिए एक वचन है, ठीक है। इस वचन को मैं पढ़ देता हूं, बात बाद में करेंगे। यहां पर हम 2 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, 8:32 और 36। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 36 में लिखा इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमेन। इधर ध्यान दो, ये बड़ा वचन है, बड़ी बात है, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला विषय है ये बात पर। तो यहां पर बात हो रही है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। मैंने कुछ बॉर्न क्रिश्चियन लोगों से मिला, उनसे मैंने यही बात की। मैंने उनसे पूछा यीशु मसीह ने कहा था तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुसी सच नु जानोगे, सच तुहानु आजाद करेगा। कुछ बॉर्न क्रिश्चियन लोगों से मैंने पूछा, मैंने एक पास्टर से भी ये बात की, कोई हमारी मिनिस्ट्री में आया था, वो भी नहीं इसकी बात अच्छे से बता पाया मुझे। चलो तुम लोगों से किसी को पता है ये बात, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो वर्ड दिया, वचन बोला है, इसका मतलब क्या है? सत्य क्या चीज है जो तुम्हें आजाद कर देगा? अगर तुम्हें अच्छे से ये पता ही नहीं तो आजाद कैसे होगे? तुम्हें आजादी कैसे मिलेगी वे? तुम्हें कैसे वो स्वतंत्र जीवन, जो आजादी का जीवन है तुम्हारी जिंदगी में होगा, अगर तुम्हें अच्छे से ये पता ही नहीं यीशु मसीह ने जो कहा वो बात तुम्हारे दिल में अगर अच्छे से नहीं है तो किसको पता है? कौन बोलना चाहता है ये बात? एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, सिर्फ एक उधर किया, एक इधर किया, 2 बंदे ने बस, बाकी केड़े ने? बाकी क्या लेने आए हो तुम लोग? तड़े हाथ, तड़ा दिल, दिमाग कुछ नहीं चांदा, कुछ करिए रबली। कौन बताना चाहता है ये बात?
अच्छा उससे पूछो, पूछो माइक तो। मैंने ये पूछा है जो यीशु मसीह ने कहा सच सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य क्या है, क्या है सत्य वो जो हमें आजाद करेगा, तुम्हें ये पता सत्य क्या है? सत्य कोई मटेरियल है? बोलो, कोई मटीरियलिस्ट चीज है? कौन बताना चाहता है? इधर इधर तो उसने, हाँ वो लड़के से पूछो क्या कहता है। हाँ पापा जी, परमेश्वर ने कहा जब कोई सत्य को जानेगा सत्य उसे याद करेगा। हाँ हाँ पापा जी, वो परमेश्वर का वचन है, जो ज्ञान है परमेश्वर का, उसको कह रहे हो। अच्छा वो वहां जाओ दौड़कर, माइक है ओके, ओपिनियन सुनते हैं लोगों की। सच यीशुआ जी, परमेश्वर है सच, परमेश्वर है सच, सच यीशु है, ठीक है। हाँ आप बोलो, उसे भी पूछो एडवोकेट से, ये नहीं आई है प्रभु में यहाँ, लेकिन एडवोकेट है, देखते हैं इसके क्या व्यूज है, इसके क्या विचार है। कोई और बोलना चाहता है दौड़कर आगे आ जाओ, एक दो बंदों के देख लेते हैं विचार क्या है। पापा जी, जय मसीह की, जय मसीह की। सत्य यानी कि परमेश्वर पे विश्वास, हमारे बनाने वाले पे विश्वास। जैसे हम कई जगह जाते तो हमें मटेरियलिस्टिक चीजें दी जाती है, हिंदू धर्म में भी दी जाती है और क्रिश्चियनिटी में भी दी जाती है। तो हमारे जैसे भी हालात है, जैसे मेरे हालात है, तो हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखे कि नहीं ये जा चुके हैं हमारी। नहीं वो तो एक प्रैक्टिकल चीज हुई ना, मैं ये जानना चाहता सत्य क्या है। जैसे उन्होंने बोला यीशु सत्य है, परमेश्वर सत्य है, उन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है। चलो मैं समझता हूँ आज तुम्हारे दिल में ये अच्छे से डालूं बात, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत है, इतना बोलने वाले तो बहुत आ जाएंगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इधर ध्यान दो सारे आप लोग। सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि दुनिया किसने रची, ये पॉइंट, सबसे पहले ये पॉइंट। तो जब दुनिया किसने रची, कैसे रची, ये तुम्हें बाइबल से पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। कौन है परमेश्वर, क्या चीज है वो परमेश्वर, क्यों रची उसने दुनिया, उसका दुनिया बनाने का पर्पस क्या था, एक भला पर्पस, एक गुड उद्देश्य परमेश्वर का, ठीक है। वो इतना सामर्थी, इतना शक्तिशाली है परमेश्वर, वो लाचार नहीं है, बेबस नहीं है, वो पावरफुल है, वो सुप्रीम पावर है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई उसे संसार में शब्द कहता है, कोई निराकार कहता है, वो दिखता नहीं है, वो है, ऐसे ऐसे बातें उसके बारे में संसार में भी होती है। लेकिन बाइबल उसको पूरी क्लैरिटी करता है कि परमेश्वर एक स्पिरिट है, आत्मा है। आमेन। समझ आया या नहीं आया? परमेश्वर कौन है, इस दुनिया का मालिक? ऐसे हवा में बातें करना वो निराकार है, वो ऐसा है, वो शब्द है, ऐसे ऐसे हवा में बातें। क्लैरिटी ये है कि परमेश्वर एक आत्मा है, स्पिरिट है, पावरफुल स्पिरिट, सुप्रीम पावर, जो सब कुछ कर सकता है, उसने रची दुनिया। बाइबल में पढ़ोगे लिखा पूरा अंधेरा था और पानी पानी था और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, ऐसे लिखा। और वो आत्मा अब क्या कर रहा है, दुनिया को सृष्ट कर रहा है, रच रहा है, वो आत्मा परमेश्वर। उसने सारा कुछ बनाया जो हम देखते हैं, फिर इंसान को बनाया। और बाइबल में लिखा वो इंसान को बनाने के बाद उसने अपना वचन दिया, क्या दिया, वचन, कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये करना है, तुम्हें सब फल खा सकते हो, ये फल नहीं खाना है, ऐसे वचन दिया। लेकिन हमारा थंबनेल भी यही था, परमेश्वर अपना वचन देता है लाभ के लिए, लेकिन उस लाभ को कौन बिगाड़ता है, शैतान। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा ना हो, शैतान अपनी कोशिश करता है, जुक्तियां बनाता है,
तुम्हारा मन खराब करता है, तुम्हें आगे पीछे करता है, तुम्हें लालच देता है। कोई बिलीवर इधर से टूटा, वो तुम्हें तोड़ रहा है, उधर जाकर देख, ये कर वो कर, ये शैतान का काम। तुम्हें स्थिरता ना मिले। ये जिसकी हम गवाही दे रहे थे, एक बार ये भी टूट रहे था प्रवाह, सच्ची मैंने आत्मा में देखा था। मैंने अपनी टीम को समझाया, उन्हें मुझसे मिला दो, वो टूटने वाले यहां से, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों के पीछे लग रहे थे, बातों के पीछे, जिनसे इनकी जिंदगी और खराब हो जाती है आने वाले दिनों। प्रभु पर विश्वास था, लेकिन ये ज्यादा चाहते थे कुछ बढ़ना। इस सोच से कई चीजें इनके दिल में आ रही थी, लेकिन सही समय में मैंने इनको गाइड किया कई पॉइंट से, उससे इनको इनडायरेक्ट, इनको नहीं बताया गया, आज ही बताया हमने। हमें आत्मा में पता चल जाता है लोगों के बारे में, ये गवाही कैसे बनती, भटक जाते, शैतान जाता है। तुम यीशु में रहो, लेकिन यीशु में भटकते रहो। बोलो, सोचो वहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, फिर होगा काम, बिल्कुल। तुम्हें एक ही यीशु है, एक ही प्रभु परमेश्वर है, उसके साथ सही होना है, बस सारे काम हो जाएंगे। उसने कहा नहीं कितनी लड़ियां लगी गवाहियां की, कैसे लड़ियां, एक गवाही और देनी है, गवाही और देनी है, गवाही और देनी है, एक और देनी है, कैसे बोल रहे हैं ना। तो अभी यहां पर शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो। आदम हवा की जिंदगी में वो वचन जो परमेश्वर ने दिया, उसने उन्हें गुमराह करके उनके अंदर है ना अपना वचन दे दिया, गुमराह करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़कर शैतान का वचन पूरा कर दिया, जिससे उनका जीवन श्रापित हो गया, उनके अंदर पाप आ गया। फिर पाप आने के बाद पृथ्वी भी श्रापित होगी। उसके बाद फिर बाइबल में आप पढ़ोगे क्या क्या हुआ है, कितना कुछ घटा। सारी जो आदम और हव्वा का वंश था, वो शैतान के काबू में आता गया, उनको वो आपस में लड़ाता गया, अपनों को मराता गया और अपनों को धर्म जाति के लोग बनाता गया शैतान। बाइबल पढ़कर देखो, आज पूरी पृथ्वी के लोग एक ही परमेश्वर के हैं, लेकिन वो अलग 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 हैं। अब अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग उनके रब हैं। वो नहीं मानते कि हम सबका एक परमेश्वर है, लेकिन बाइबल तो एक ही परमेश्वर है। लेकिन यहां आपको समझ आएगी। उसके बाद परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो मैंने बनाया है ये नाश हो। वो इतना दयावंत, इतना प्रेम करने वाला है। उसने व्यवस्था दी, एक जाति के साथ खड़ा रहा परमेश्वर, ताकि पृथ्वी पर बिल्कुल मनुष्य के अंदर जो दुनिया का रचने वाला वो खत्म ना हो। एक जाति के साथ खड़ा रहा परमेश्वर। बाइबल को पढ़ोगे, शैतान इतना लड़वा रहा था, मरवा रहा था उस समय। बॉस, बाइबल जो है ये बहुत सारा फिगरेटिवली है। बाइबल में ट्रांसलेटर की काफी सारी मिस्टेक्स है। अगर उनको बहुत सारी बड़ी मनुष्यियां मिलकर दुनिया के ऊपर ये प्रकट नहीं करेंगे कहां कहां मिस्टेक्स हैं, आने वाले दिनों में क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में। तुम्हें ट्रांसलेशन जो गड़बड़ है उसके बारे में भी बताया जाए, ताकि तुम्हारा फेथ स्ट्रॉन्ग, खुदापन बना रहे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातों से जो लोगों को समझ नहीं आती, वो सोचते हैं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, उसकी वजह से बहुत सारे गोरों का भी विश्वास टूट रहा है, कई लोगों का। लेकिन वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ या फिगुरेटिवली बातें, उन्हें अच्छे से समझना होगा। वो परमेश्वर जो दुनिया का रचने वाला है, जिसकी ये इच्छा थी दुनिया मेरी एक फैमिली हो, फैमिली भटक गई, पाप की गुलाम बन गई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं हुआ मनुष्य के लिए। वो परमेश्वर खुद जो आत्मा है, आत्मा से पुत्र के रूप में जन्मा हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। हालेलुया, किसके लिए? पूरे संसार के लिए,
ताकि मनुष्य जो अनंत मौत में चला गया है, उसने उस अनंत मौत को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर मौत ली, और उस मौत को लेकर अनंत मौत को खत्म करके अनंत जीवन हमारे लिए रख दिया, अनंत जीवन को लागू कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। पहले यीशु मसीह ने आकर सामर्थ्य से दिखाया कि मैं कौन हूं, ताकत से दिखाया मैं कौन हूं, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरों को चंगा कर दिया और मरे हुओं को जिंदा कर दिया, तूफानों को ऐसे रोक दिया, पानी पर चलकर दिखाया, इतनी ताकत सामर्थ इज़राइल देश को हिला दिया, और उसने सिखाया चेलों को तुम भी कर सकते हो। ऐसे विश्वास, तुम मुझ पर भी विश्वास करो, पिता पर भी विश्वास करो, मेरे नाम से जो तुम करोगे वो होगा, और चेलों ने भी वो प्रकट करके दिखा दिया। परमेश्वर के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल से बता दिया, कौन है, क्या किया, क्यों रची सृष्टि, सृष्टि में क्या हुआ, क्यों यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ। ये ज्ञान संसार में नहीं, ये सुसमाचार है। यीशु सारे जगत के पाप के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जिंदा हुआ। वो जिंदा है, वो प्रभु है। यीशु ने कहा सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, सत्य जीवन और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा। यीशु मसीह ने उस समय लोगों को कहा सत्य ये है कि एकमात्र जो पिता और उस पिता ने जो अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा यीशु को, इसे जानना ही जीवन है। मैं ये ज्ञान है, ये सच्चाई है, सत्य को तुम जानोगे सत्य। ये बात क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो खाली इसको ऐसे जानते हैं, ऐसा है, असलियत में वो बात को नहीं अच्छे से जानते, असलियत में कि ये पावरफुल विशा परमेश्वर जो आत्मा से पैदा होना, उसको बहुत तगड़े मन से पावरफुल तरीके से इस बात को नहीं जानते, इसीलिए अपना छुटकारा तेल पानी मटेरियल से करते हैं। जबकि इस बात में यीशु की कुर्बानी से यीशु मसीह ने कहा सत्य को तुम जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। तू ये विशा आजाद करेगा, ये सच्चाई आजाद करेगी जो अभी तुमने समझी। यीशु की कुर्बानी, उसका कोड़े खाना, किल ढकवाना, हमारे लिए मरना, तकलीफ सहना, पूरा शरीर तड़वाना, लहू पवित्र बहाना, ये सच्चाई है, ये सच्चा ज्ञान है जो परमेश्वर ने पुत्र के रूप में प्रकट होकर पूरे जगत के लिए किया। क्या ये जो सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें विश्वास करेगा, तुम्हारे अंदर ये बात असलियत तौर पर कितने मन में, कितने पावरफुल तरीके में तुम्हारे अंदर है, यही तो लोगों को पता नहीं अच्छे से, इसीलिए उन्हें मटेरियल चाहिए, इसीलिए वो मटेरियल से चंगाई चाहते। चंगाई तो इस बात से होगी, ये वचन क्रियाशील है तुम्हारे अंदर, जब होगा ना एक्चुअली ये होगा तो कैंसर तक खत्म कर देगा, कैंसर तक खत्म कर देगा। कहानी नहीं है ये आज से इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, ये कैंसर तक को ये बात तुम न्याय करो। यीशु मसीह का परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा से जन्म लेना, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, क्रूस पर चढ़ना, इतना दुख सहना, हमारे लिए मरना, फिर मुर्दों में जिंदा होना, ये जो वचन है, ये जो सत्य, ये जो काम है, ये आपको जीवन देगा या मटेरियल, आप बताओ मुझे, आप बताओ, निर्णय लो, बोलो। चुप करके ये उन क्या हुआ आपको, इसका मतलब कुछ लोग अभी भी इधर उधर हैं पूरे इस बात में, इस मिनिस्ट्री में जो खुदा आत्मा के द्वारा सिखाता उस बात में, क्या तुम लोग खराई से हो या नहीं पूरे,
जो तो खराई से है ना, तो कैंसर तक के ये बात खत्म कर देगी। कर देंगे या नहीं कर देगी? देखो उसकी एक ओवरी के अंदर नाड़ी है ना, नाड़ी आप समझते ना, एक नली अंदर से एक नाड़ी टेढ़ी होगी। इतना दर्द था उसको, तकलीफ में थी। वहां से डॉक्टरों ने भेजा ऑपरेट कराओ, उसको सही कर दिया, असिस्ट गायब कर दिया। डॉक्टर बोले सारी मेडिसिन ये वो कर दिया, लेकिन नहीं कुछ हल हो रहा। लेकिन उनकी मां, मेरे मुंह से आने वाला वचन और परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर के वचन के ऊपर टिक गई, उस वचन को खाया, अपने मन में लिया, सारी बीमारी को खत्म करके एंजल को पैदा कर दिया, एक बेबी को पैदा कर दिया। एंजल कितना अच्छा उन्होंने बोला, एंजल कितना ताकतवर है परमेश्वर हमारा। क्या तुम लोग इस बात, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये बात को सीखना है। कल मेरी बात इंग्लैंड में किसी आदमी से हुई, वो 13 साल में प्रभु में, 13 साल से, और वो पहले से बड़ा परेशान था, बीमारी में था, दुख में था, हालात में था। लेकिन पिछले दिनों में हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ा, एक दो बार उस पर ले हैंड हुई, ऑनलाइन उसमें दुष्ट आत्मा था, मैंने निकाला, काफी उसको फर्क पड़ गया, काफी वो ठीक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चंगाई नहीं पा रहा, क्योंकि कई बातें उसके अंदर वचन की अच्छे से नहीं बैठी, उसका बिलीव अच्छे से सेट नहीं है परमेश्वर के ऊपर। सच्चाई जो, ये जो सच्चाई है, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये बात उसको अच्छे से, जैसे बोलते हैं असलियत तौर पर, पूरी असलियत हमारे अंदर ऐसे बैठनी चाहिए। वो शायद आज भी यहां कई लोगों के अंदर ना हो। हाँ इतना है, हाँ जी यीशु साढ़े पापा ली मरिया, हाँ जी जिंदा आती जिन, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली तुम ऐसे सोच रहे हो, ये नॉर्मल। अगर नॉर्मली तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये काम नहीं करेगा, वर्ड असलियत तौर पर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, पूरा दिल से इस बात में ऐसे ध्यान सोच, इतना बड़ा काम किया, इतना प्यार करता है मेरा प्रभु, ऐसे दिल, ऐसे नहीं बस सिंपली, फिर देखना ये वचन कैसे काम करता। उससे जब मैंने बात की तो मुझे हॉली स्प्रिट ने कहा इससे आज ज्यादा बात कर, आधा घंटा बात कर, इससे बात कर, इसको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है, क्या इसका बिलीफ, अच्छे से इससे बात कर। तो मैंने उससे कहा कि तुम अभी कहां हो? कहता मैं गाड़ी में हूं। तो मैंने कहा यहां से तेरा घर कितनी दूर है? कहता मेरा घर यहां से 15 मिनट में आ जाएगा। तो मैंने कहा तू भाई घर जा, अपने रूम में बैठ, आराम से बात करते, चाहे एक घंटा लग जाए। कहता नहीं जी तू ही गाड़ी में बात कर लो मुझसे। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं मैं किराए पर रहता हूं तो वो घर वालों के सामने प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा वो अन्य जाती है, कोई दूसरी जाति नहीं? कहता यीशु को मानते हैं वो, लेकिन आपसे बड़ी नफरत करते हैं, तो आपकी शिक्षा से बड़ी नफरत करते वो। सोचो, सोच लो ये बात, सोचो। इसलिए कि मैं लोगों को रीतियों से बाहर निकालता हूं इसलिए नफरत करते। क्या वो आजाद है? अभी हुए ही नहीं बेचारे। और उसने मुझे बताया कि 15 साल से उनके पास बेबी भी नहीं है और 15 साल से वो प्रभु में। तो मैंने कहा उनको मेरा मैसेज दे, एक के लिए तरस रहे, दो मिल जाएंगे, जा चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं उनको, जा मैंने कहा मैसेज दे दे। मैंने कहा उनका मन ही देखो मेरे प्रति। इसलिए कि मैंने लोगों को यह सिखा दिया, सत्य पर विश्वास करो, तेल पानी ना करो, इसलिए मुझसे नफरत करते हो, उनको बुरा लगता है ये बात। इसका मतलब नेगेटिविटी के गुलाम है और नेगेटिविटी चाहती है। तुम्हें अच्छे से ये बात समझ ना आए, सोचो तुम्हें आगे बढ़ना है। तुमने लोगों को रीति रिवाजों से, मुझे ये बताओ
यीशु मसीह ने चेलों को इतना प्रिपेयर किया, इतना प्रिपेयर किया, इतना प्रिपेयर किया एक जबरदस्त दान के लिए। वो क्या था? इतना प्रिपेयर किया, अभी वो काम यीशु मसीह क्रूस पर भी नहीं चढ़े, पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। पहले से उनका ध्यान उस बात में, चीज में इतना बढ़ाना शुरू कर दिया। सोचो कौन सी चीज थी वो? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अरे जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको मटेरियल चाहिए कोई? सोचो कितना बड़ा विषय पवित्र आत्मा। अभी लोग सिर्फ पवित्र आत्मा की बातें करते हैं, उन्हें अच्छे से पता नहीं पवित्र आत्मा का होने का मतलब क्या है। अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है तो ये सारी शिक्षाएं मैं तुम्हें देता हूं, वो मुझे बात करता है, मुझ पर ये बातें प्रकट करता है पवित्र आत्मा। कभी मैं प्रेम में बैठा होता हूं, मेरे सामने पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे बातें सामने आ रही थी, ऐसे उतर रही होती, ऐसे वर्ड सामने आंखों के आ रहे होते जब मैं प्रार्थना में होता। ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि तुम्हें पता ना चाहिए मेरा अगुवा भी कौन है, पवित्र आत्मा है। आमेन। तो ये बातें सीख लो तुम लोग, तुम्हारे पास इतना बड़ा दान, इतना पावरफुल चीज पवित्र आत्मा, जिसके बारे में बाइबल में लिखा वो परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है, परमेश्वर का आत्मा। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मन की बातें नहीं जानता, उसका अपना आत्मा मनुष्य का मन की बातें जानता है, दूसरा नहीं। ऐसे लिखा तुम परमेश्वर के मन की बातें नहीं जानते, परमेश्वर का आत्मा जानता है, वो तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। तो आज इस बात को अपने अंदर पक्का करो। यीशु मसीह ने कहा था सत्य को जानोगे, सत्य एक सच्चा ज्ञान, एक जानकारी जो बाइबल के अंदर सुसमाचार है, जो सुसमाचार हमने फैलाना है, ये है वो सत्य जो मैंने आपको थोड़ा समझाया। इस पर अपना विश्वास करना, परमेश्वर कौन है, वो आत्मा है, वो यहोवा है, उसने दुनिया रची है, वो दुनिया में क्या गड़बड़ हुई थी, क्यों वो आत्मा से यीशु जन्म लेकर पुत्र के रूप में हमारे लिए आया, कौन सा प्यार, कितना बड़ा प्यार, क्यों ये कुर्बानी, क्यों यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, ये जानकारी, सच्ची जानकारी, इसको ही यीशु मसीह ने कहा था तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। इसमें है तुम्हारा छुटकारा, इसी में है तुम्हारी आजादी। इस बात को रोज रोज असलियत तौर पर बड़े दिल से, बड़े मन से अपने अंदर विश्वास करो। हालेलुया। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं पहले दिनों में गलत अंगीकार करता था, कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं मेरी शिक्षाओं से जो परमेश्वर ने मुझे दी, लेकिन इन दिनों में मैंने प्रार्थना कर दी नहीं वो अब नहीं करते, वो सारे आ रहे, वो सारे समझ रहे, मैंने ऐसे अंगीकार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर इस बात को समझ रहे हैं, बहुत सारे सेवक इस बात को समझ रहे हैं, बहुत सारी क्लीसियाएं इस बात को मैं ऐसे अंगीकार कर रहा हूं आजकल अपनी प्रार्थना में, और मेरा विश्वास ऐसे हो जाएगा, जबरदस्त रीति से हो जाएगा। हालेलुया। मैं लास्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि हम इस बात को अच्छे से सीख लें। ये हमारे पास कई वचन है मेरे पास, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाकर समझाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें कुछ बातें मैं तुम्हारे अंदर डाल सकूं, ठीक है। आई होप के इन बातों से तुम लोग, सबसे पहले हम जाएंगे गलातियों की पुस्तक में, इस पर मैं आपका फोकस बनाऊंगा जो पहले नहीं बना था, जैसे मेरा बनाया है पवित्र आत्मा ने। यहां पर 5:1 में लिखा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, ये काम उसने पूरा कर दिया है। ऐसा नहीं तुम्हें आजाद होना, तुम्हारे बंधन तोड़ने, तुम्हारे शरापों को, इन सब काम से, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, बीमारियों से, उसने क्या कर दिया, ये काम कर दिया आजादी का उसने।
तुम्हें इस बात में क्या करना है? आगे लिखा, इसी में स्थिर रहो, इस आजाद किए हुए वर्ड में उसने ऐसा किया है, इसमें अपना मन स्थिर करो, ऐसा मेरे प्रभु ने किया है। और जब तक कोई बिलीवर ये बात को नहीं करेगा, वो पूर्ण चंगाई कभी नहीं देख पाएगा, वो हीलिंग नहीं देख पाएगा अच्छे से, वो कंप्लीटली अपने जीवन में चंगाई नहीं देख पाएगा। इस बात में लिखा, स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। और आगे लिखा दो में, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम्हें पता ना चाहिए मूसा की व्यवस्था कठिन थी, उसको सारी को जो मानेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जीवन मिलेगा, लेकिन वो कठिन थी। कुछ लोगों ने पूरा कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो नाशित होगी, लेकिन वो बहुत कठिन थी वो व्यवस्था, वो रीतियों की शिक्षा। परमेश्वर ने उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने खत्म करके हमारे ऊपर क्या कर दिया? अनुग्रह कर दिया। और धार्मिकता अब किससे ठहरा दी? विश्वास से। विश्वास, ये बात याद रखो। लेकिन अभी अभी जल्दी जल्दी मैं तुम्हें कंप्लीट करना चाहता हूं ये बात को। चार में लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर तुम रीतियों से धर्मी बनना चाहते हो, रीतियों से तुम लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास से हम परमेश्वर को खुश करते हैं, और बाइबल में लिखा विश्वास से अब धार्मिकता है। पुराने नियम में विश्वास से धार्मिकता नहीं थी, व्यवस्था से धार्मिकता थी। रीति, जितनी आज्ञाएं थी पुराने नियम के रीति रिवाजों की, उससे धार्मिकता थी। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी से हमें आजाद कर दिया, उस व्यवस्था से, उस कठिन चीज से। हमें अब विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, इस बात को सीखो। और यहां पर लिखा पांच में, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ये बातें सीख लो। कितने लोग यहां से सच्चाई को जानकर, सही शिक्षा को जानकर सही चाल चल रहे थे, किसी ने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। सत्य कोई तेल पानी मटेरियल नहीं है, सत्य यीशु की कुर्बानी है, वो आत्मा है, वो स्पिरिट है जो इसने बड़ा काम किया है। इस बात को प्रैक्टिकल करना अपने जीवन में। इस ये जब तुम्हारे मन में ये सत्य, जो परमेश्वर का सत्य का वचन जिसको यीशु ने कहा था तुम जानोगे, तुम आजाद हो जाओगे, इस बात को अपने अंदर इतना स्ट्रांगली रखना है, फिर देखो तुम्हारी आजादी, बड़े काम देखोगे, बड़े जबरदस्त। दुष्ट को आग लगेगी, वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाएगा, वो रोएगा, चीखेगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा फिर, जब तुम इस बात में बढ़ जाओगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, योहन्ना की बुक, ठीक है, पहला योहन्ना पत्री, वहां पर एक पॉइंट सीखेंगे हम परमेश्वर के वचन में। और मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इस वचन से हम जल्दी समाप्ति कर दे, क्योंकि काफी बीच में टेस्टमनी से वर्ड लंबा हो रहा है। तो ये योहन्ना की पत्री 5:4-5 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, फिर से सीख लो इस वचन को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है,
और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। विश्वास इस दुनिया में बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, जो आपके अंदर अच्छे से होनी चाहिए। परमेश्वर कौन है, उस पर विश्वास, उसने आपके लिए किया क्या, ये विश्वास, उसके किए हुए काम में आपके लिए क्या जीवन है, ये विश्वास। विश्वास से आप उन चीजों को प्राप्त करोगे जो आपको दिख नहीं रही। उन्हें उन्हें वो चीज, वो बच्चा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो बहन विश्वास में थी, परमेश्वर सच्चा है, मैं यीशु की बेटी हूं ऐसे बोल रही है। वो बच्चा नहीं है, पेट में रसौलियां है, बच्चेदानी में रसौलियां, लेकिन उसको बोल रही है तू मैके मत जा, इधर रह, तेरे 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 प्रेग्नेंट है तू। वो आगे से क्या बोल रही है, मैं तो रिसौलियां है, प्रेग्नेंट कहां हूं। ये विश्वास था परमेश्वर की ताकत के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर, उसका अंगीकार राइट, उसका भरोसा राइट, उसका विश्वास राइट, जो आज तुम लोगों को करने की जरूरत है सबको। हालेलुया। तुम्हें आत्मिक कर्म करना है, आत्मिक प्रैक्टिकल अपने जीवन में। क्या रेडी हो? तो अगर ये तुम्हारी जिंदगी में हो गया, आज से इस वचन को तुमने अच्छे से समझ लिया, तो तुम लोग बड़ी चीजें देखोगे, बड़ी चीजें। कितनों को बात समझ आ गई? तुम्हें आज से परमेश्वर जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसी आत्मा से यीशु जन्मा, उस आत्मा से दुनिया में कौन जन्मा हो? बाकी तो मम्मी डैडी से जन्मे सारा संसार, और जो मम्मी डैडी से जन्मा है वो इंसान है। और कितने भी इंसान परमात्मा परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो लास्ट यीशु ही वो पहचान है परमात्मा की, मतलब खुद यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है। जिस परमेश्वर को दुनिया ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर यीशु है। ये काम उसके नाम से होते हैं, कहानी नहीं, इसमें जो बातें लिखी है कहानी नहीं। तुम्हें सत्य पर अपना विश्वास पक्का करना है और अपने प्रैक्टिकल को पक्का करना है। आज से तुम्हें जो संसार में चाहिए वो कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीजें। मेन है अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का जीवन। यीशु ने कहा था तुम किसी बात की चिंता ना करो, खाने पीने पहनने की। अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में, शादी कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा, कारोबार कैसे होगा, ये कैसे होगा, अन्य जाति ये कर रहे हैं, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, वो जानता है तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास काम नहीं है, वो जानता है तुम्हें चाहिए। बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है तुम्हें, वो जानता तुम्हें चाहिए। तुम्हें आने जाने के लिए साधन नहीं है, कोई बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो जानता तुम्हें चाहिए, वो तो जानता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो, ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तुम्हें आज से ये मन बनाना है, आज से अपना ध्यान देना है, आज से परमेश्वर जो वचन देना उसको लेना है, उसे पूरा करना है। मैंने कहा दो मीटिंग्स थर्सडे, ये संडे हीलिंग्स मीटिंग होगी। थर्सडे जो लोग आए वो ये सोचकर आए नहीं कि ये हीलिंग मीटिंग है। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचकर आए नहीं ये हीलिंग मीटिंग है, उन्होंने उस वचन को लिया ही नहीं। लेकिन मैंने संडे अपने विश्वास से प्रकट करके दिखा दिया था ये हीलिंग मीटिंग है। मुझे खुदा ने कहा था मैं प्रकट करके दिखाऊंगा। यहां कितनी हीलिंग्स करके हमने दिखाई, जबरदस्त। एक सिस्टर की हमने गवाही दी थी, बॉर्न क्रिश्चियन थी, मुझे नहीं लगता आज आई है कि नहीं आई। वो 7 महीनों से पीठ का दर्द, परेशान थी, दुखी थी बड़ी,
सात महीनों से, कितने महीनों से, वो वीरवार थर्सडे मीटिंग में आई थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तुम यीशु मसीह में हो, कहती हाँ मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सच्चाई नॉर्मल है, तुम्हें उस रीति से नहीं पता परमेश्वर को जिस रीति से तुम्हें जानना है। मैंने उसे बताया यही प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए इतनी बड़ी हीलिंग लेकर हमने यूट्यूब पर उसकी वीडियो भी डाल दी है, आज मुझे दिख नहीं रही कि वो खड़ी हो जाए कि मैं आई हूं, नहीं आई ना, देख लो ये हाल है लोगों। अरे सात महीने रो रही थी, तड़फ रही थी, इधर रो रो के बातें कर रही थी, आज उसको कितने आदर से यहां आना चाहिए था। यही प्रॉब्लम है लोगों की, क्या है, आई है, कहां है, हैं? ग्रिल के बाहर बैठी है, वो गेट के पास जाके बैठे, उसको बोलो यहां अंदर आते हैं, वहां बैठना चाहिए, नहीं ये थोड़ी है, नहीं नहीं ये नहीं है, यही है, है? यही है, ये जो बाहर धूप में बैठे हैं ना तुम लोग, अंदर बैठो, नहीं तो मेनू भी इतने ले जाओ, कमाल करते हैं ये लोग, देखो इनको अपने तरीके से चलना है, अपने तरीके से यही गड़बड़ है, तुम्हें अपनी देह की क्रिया को मारना है, आगे आकर बैठना है बीच में, तुम धूप सेकने नहीं आए, परमेश्वर का वचन लेने आए, बोलो तुम लोग धूप सेकने नहीं आए, इधर इधर हजूरी में अंदर आकर बैठो, जो आपको बताने का विषय है। वैसे ये काम तो इनका है, ये जो यहां सेवा करते हैं, पर इनको कम समझ आती है, ये देखो आई है, इसकी हीलिंग इसके विश्वास से नहीं, मैंने अपने विश्वास से प्रकट कर दी, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कर सकता, जब मुझे होली स्पिरिट अगुवाई करेगा तब कर सकता हूं, मुझे होली स्पिरिट ने अगुवाई किया, आज इनको दिखा गई हीलिंग मीटिंग, मैंने अपने बिलीव से कई चीजें की, मैं वो करता रहेगा, मुझे यूज करता रहेगा कई लोगों के लिए, लेकिन तुम्हें बनना है, आज तुम्हें समझ आई सत्य क्या है, कोई मटीरियल है, है? सत्य मटेरियल है, है? नहीं सत्य क्या है, देखो इसको अभी भी नहीं पता चला, कितने लोगों को भी नहीं पता चलेगा अभी, क्योंकि तभी आजाद नहीं हम, तभी आजाद नहीं, तुम्हें आजाद जिंदगी जीना है तो इस बात में जबरदस्त बिलीव करो, रोज जबरदस्त इस बात में रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने कहा था सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये बात क्या है बताओ, विश्वास के साथ, नहीं नहीं यीशु ने कहा था सत्य को तुम जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य क्या है, सच्चाई है, है? सच्चाई है, क्या सच्चाई है, कि प्रभु सच में काम करता है, वो करके दिखाता है, वो काम कर, नहीं सच सत्य क्या है, सत्य तू उधर बैठकर सुननी नहीं थी, एक्चुअली हम ट्रैफिक में लेट हो गए, अभी आई है, थोड़ी देरी हुई है, हार पाओ दी गलच है, कमाली होगी, चल कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें बदलना अपने आप को, बड़ी बनना, बड़ी बेटी परमेश्वर की, उधर हजारों रूहें बचानी है, कितने वहां परेशान है आसपास लोग, काफी सारे परेशान, यीशु को मानने वाले नहीं, हाँ यीशु से दूर है, वो जो दूर है वो परेशान है, तो जो यीशु में है, जो तुम्हारे लोग यीशु में आसपास, वो एक्चुअली मेरी मैरिज अन्य जाति में हुई है, अन्य जातियों में तूने शादी कर ली है, इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं पता, चर्च जाती हो, चर्च जाते हैं, वो प्रभु में ही है मेरे हस्बैंड, ठीक है, लेकिन ये बात याद रख लो, बहुत सारे यीशु मसीह में भी जो रीति रिवाजों में पड़े हुए, जिन्होंने आत्मिक जीवन को नहीं समझा, जब तक मैं भी नहीं समझा था मैं भी परेशान था, इधर एक बंदा है उसको हमने समझाया भी, तू इधर की बात ना सोच, उधर की बात ना सोच, इसके बारे में ना सोच, उस पास्टर ये हुआ वो बात, ये छोड़ दे, तू परमेश्वर के साथ चल, नहीं नहीं मुझे ये बताओ, नहीं नहीं मुझे ये बताओ, वो बात बताओ, फिर आ गया शैतान, अगले ने सुट देता, तीन दिन का
मुंह अंदर बेचारा पिया। मैं पूछा वो बंदा कहते है, वो बंदे का तो बड़ा बुरा हाल है, वो पिया बेचारा। सोच कर देखो आप, जब हम समझा रहे हैं कि ना सोच ये बातें, ना ये कर, तुम्हें बस परमेश्वर में उसमें पढ़ना है कौन क्या कर रहा है, छोड़ दे बात। जब छोड़ी तब वापस हालात गए, फिर उसको चंगाई मिली। तो कितना हालात में फंस गया था, कितनों को यह बात समझ आ रही है। देखो ये बॉन क्रिश्चियन, इसको अभी भी मेरी शिक्षा के बाद भी नहीं अच्छे से पता चला सत्य क्या है। तुम लोगों को पता चल गया है, तो ये चंगाई फिर आज तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, ये पावर आज तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाली है। सच्ची सच्ची बोलो ये बात मुझे आज, सच्ची सच्ची ये बात बोलो मुझे आज। इसको आगे लाओ मेरे पास, लाओ एक दो बातें करनी है मुझे इससे। तो अभी खुश है, बहुत खुश है, चेहरा चूरा बदल गया, कपड़े कपड़े अच्छे डाले हैं, है ना, चंगाई मिल गई ना थर्सडे। इसकी गवाही डाली देखी है आप लोगों ने, किस किस ने देखी है, सारों ने, हाथ खड़ा करो जिन जिनों ने देखी है। तो बाकी कितने गए, इनको ना थोड़ा डंडा डंडा चाहिए, आत्मिक डंडा इन लोगों, सच्ची कुछ लोगों को ना आत्मिक डंडे की जरूरत है। अरे अगुआ जब डांटता है तो तुम्हारे भले के लिए करता है, अगर तुमने उस डांट को लिया तो समझो तुम आगे जाओगे। हालेलुया। तो तुम्हें अब खुश है ना, अब बढ़ना है, तुम्हें बताएंगे क्या करना है, ठीक है। आमेन। सुनो देखो, प्रेरित पॉल समुंदर के बीच में से जहाज टूट गया और मरने वाला था, लेकिन फिर भी बच बुच कर बाहर आ गया लकड़ी लुकड़ी से। और समुंदर के किनारे कुछ लोग थे, आग सेक रहे थे वो लकड़ियां जलाकर, तो वो भी उनके साथ सेकने लगा। एक सांप उसके हाथ में चढ़ गया, ठीक है, चढ़ गया तो ऐसे उसको हाथ अच्छे से जकड़ लिया सांप ने, उसने ऐसे खोलकर सांप को ऐसे फेंक दिया। क्या कर दिया, अब जब फेंका, जब उन्होंने देखा उसको सांप उसको काट रहा है, तो उन्होंने कहा ये गलत बंदा है, ये पापी है, इसीलिए इसको सांप ने काट लिया। लेकिन उसके बाद उसको तो कोई परवाह नहीं था, वो तो सच्चा बंदा था। वो देख रहे थे अभी ये मर जाएगा एक घंटा दो घंटे, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहते नहीं ये बहुत धर्मी बंदा है, ये परमेश्वर के साथ जुड़ा है। लोगों का काम ही ये, कोई भी बात सोचकर एक मिनट में जज करना शुरू कर देती। इसलिए तुम लोगों को जज मत करो, परमेश्वर के साथ चलो। क्या करो, परमेश्वर के साथ चलो, जो सीख रहे वो करो, तभी हमारी उन्नति है।